डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, ऑनलाइन व्याख्यान में बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान के भूगोल से संबंधित अरावली विकास कार्यक्रम पर एक व्याख्यान देने जा रहा हूँ। अरावली विकास कार्यक्रम केंद्र सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए आरंभ किया। पांचवी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ किए गए ये पहाड़ी विकास क्षेत्र के कार्यक्रम हैं और इसलिए इनको आरंभ किया गया ताकि इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके और उसका पर्यावरण संरक्षण, परिवेश का संतुलन, संतुलित आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विकास संभव हो सके। केंद्र सरकार ने राजस्थान में जहां अरावली विकास कार्यक्रम आरंभ किया, उसी तरीके से पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियों आदि में भी यह कार्यक्रम आरंभ हुआ। सन 1986 में भारत सरकार ने भारत के सर्वेयर जनरल के अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ ग्रुप नियुक्त किया ताकि वे पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एक योजना दे सके। इस कड़ी में राजस्थान के अरावली पहाड़ का चयन किया गया। राजस्थान के 16 जिलों में 120 खंडों का 41,447 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सिलेक्शन इसके तहत किया गया, जिसमें अन्य पहाड़ी क्षेत्रों का 11,786 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भी शामिल है। इस प्रकार अरावली पहाड़ का एक बड़ा भाग इसके अंतर्गत शामिल हुआ। अरावली विकास कार्यक्रम के उद्देश्य की यदि बात करें तो राज्य में पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संतुलन, वृक्षों की कटाई पर रोक, मरुक्षेत्र के पूर्व में विकास पर रोक, नियंत्रित खनन कार्य को प्रोत्साहन और पहाड़ी क्षेत्रों में बसी हुई जो जनजातियां हैं उनके विकास के कार्य को आगे बढ़ाने से संबंधित इसके उद्देश्य थे। अब प्रश्न है कि कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या और पशुओं की वृद्धि के कारण वन और वन्य जीवों पर बढ़ते जैविक दबाव उत्पन्न हो रहा था, तो इस जैविक दबाव के उत्पन्न होने के कारण अरावली विकास कार्यक्रम आरंभ करना पड़ा। इसी प्रकार से वृक्षों की अविवेकपूर्ण ढंग से अंधाधुंध कटाई करना, जिससे वन वन्य जीवों, मृदा आदि के विलुप्त होने की समस्या उत्पन्न हो रही थी, इस कारण से भी इसको हाथ में लिया गया। खनन कार्यों के फलस्वरूप खनन क्षेत्रों में कोई विकास कार्यक्रम नहीं होते और ना कोई उनका संरक्षण करता है, तो इस कारण से भी हुआ। कई प्रकार के निर्माण कार्य पर्यावरण का ध्यान रखे बिना होते रहे थे, इसलिए भी अरावली विकास कार्यक्रम हाथ में लिया गया। मरुस्थल के प्रसार में तीव्रता आई थी, इसको रोकने के लिए इन सब परिस्थितियों के कारण अरावली विकास कार्यक्रम लागू किया गया, जिसके लिए अनेक लाभ की योजनाएं सोची गई कि इनसे अनेक लाभ मिलेंगे इन योजनाओं से, और लाभ जो मिलने की संभावना रही उनके ऊपर यदि हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि अरावली पहाड़ी क्षेत्रों के पुनरुद्धार एवं पर्यावरणीय संतुलन में सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम से स्थानीय लोगों की जरूरतों और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ संभव हो पाएगा। मिट्टी और जल संसाधनों का प्रबंधन और उसके संरक्षण संभव होगा। अरावली पर्वत प्रदेश की प्रधान जो जल विभाजक रेखा के रूप में स्थिति है, इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो जल और वन दोनों दृष्टि से अपना महत्व रखता है। इसके विकास में योगदान मिलेगा। वन विकास, वृक्षारोपण, जड़ी बूटियों के संधारण से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, बेकारी को समाप्त करने में मदद मिलेगी, ईंधन के लिए लकड़ी मिलेगी, चारा की आपूर्ति होगी, फर्नीचर इत्यादि के लिए लकड़ी की आपूर्ति हो पाएगी। इसी तरह से
डेयरी और पशुपालन को सहायता मिलेगी। मरुस्थल के पूर्व की ओर के प्रसार को रोका जा सकेगा। फल उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास समय समय पर हो पाएगा। भूमि के उपजाऊपन में वृद्धि होगी। बेकार जो पड़ी हुई भूमि है, वेस्टलैंड है, उसका सदुपयोग कर मार्ग खुलेगा। अधिकांश जो स्थानीय निवासी हैं उनमें सामुदायिक विकास की भावना विकसित हो पाएगी। सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास में सहयोग मिलेगा। जनजाति के पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को पिछड़ेपन, निर्धनता, गरीबी, बेरोजगारी के दुष्चक्र से निकालने का अवसर इस योजना से मिल पाएगा। और ये तमाम जो उद्देश्य और लाभ की हम बात कर रहे हैं, इन सब की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। एक तो व्यापक तकनीक और प्रौद्योगिकी की उपलब्धि होनी चाहिए। जब तक तकनीकी और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी, तब तक इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किया जाना संभव नहीं प्रतीत होता। नंबर दो, स्थानीय लोगों की जब तक सक्रिय भागीदारी नहीं होगी इस कार्यक्रम में, तब तक ये कार्यक्रम आंशिक रूप से ही सफल हो सकता है। पूर्ण सफलता को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात है, वित्तीय संसाधनों और भौतिक सामग्री की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होनी चाहिए। बिना वित्तीय संसाधनों के और भौतिक संसाधनों के भी इस कार्यक्रम की जो क्रियान्विति है वो पूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकती। प्रशासनिक और संगठनात्मक तैयारियों की भी बहुत ज़रूरत होती है ऐसे कार्यक्रमों को, विशाल कार्यक्रमों को लागू करने में। उचित नेतृत्व भी चाहिए, दीर्घकालीन प्रयास की ज़रूरत है, ये कोई अल्पकालीन कार्यक्रम नहीं है। और सरकारी संरक्षण और सहयोग भी इसमें अति आवश्यक है। इन तमाम बातों को यदि ध्यान में रख कर के कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जाएगा तो निश्चित रूप से इसमें लाभ मिलेगा। और सरकारी स्तर के ऊपर बहुत सारी खामियां रही हैं, उसके बावजूद भी इस कार्यक्रम में एक आंशिक सफलता तो निश्चित रूप से मिली है, क्योंकि 8वीं योजना में केंद्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए का बजट और राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए दिया। 1991-92 में राज्य सरकार ने वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण मात्र 25 लाख रुपए का प्रावधान किया, लेकिन ये 25 लाख रुपए का जो योगदान है राज्य सरकार का, ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत कम बजट है जिसका कोई मायना नहीं होता। जापान के ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड की सहायता से वृक्षारोपण की योजना जरूर यहाँ कार्यान्वित की गई, जो राजस्थान के 10 जिलों में अलवर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, जयपुर, दौसा, पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा में लागू की गई। लेकिन सही मायने में यदि इसका मूल्यांकन किया जाए तो बाहर की सरकारों यथा जापान की सरकार, कनाडा सरकार का सहयोग इसमें रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी क्रियान्विति में इतनी कमियां रही हैं और भारत सरकार और राज्य सरकार का जो रवैया है वो बहुत ज़्यादा उत्साहजनक कार्य करता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसलिए अरावली विकास कार्यक्रम कागजों में ज़्यादा और धरातल के ऊपर हमें कम दिखाई देता है, क्योंकि हम देखते हैं लगातार अरावली का जो रिहास हुआ है, अरावली में जो वन का जो रिहास हुआ है, वृक्षों का जो रिहास हुआ है, वो लगातार चल रहा है। हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी में भी इसमें कमी आ रही है। यद्यपि वनों का कुछ क्षेत्र कहीं कहीं बढ़ा है, लेकिन संपूर्ण अरावली की बात करें तो उसमें इतना ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। आज के इस वीडियो में इतना ही।